कैसे हैं आप सभी। हम आए हैं हमारे यहाँ के पुल पर, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे पुल पर। और बीच में एक बांध बना हुआ है और बीच में तीन वो हैं दरवाजे और ऊपर कुछ मुंडियाँ सी हैं। चलिए और आगे को चलते हैं हम। दोस्तों कितनी रास्ता खराब है यहाँ पर, तो मरने का डर भी लग रहा है। बहुत ही खराब है रास्ता, बहुत ही कांटे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम जोड़े के अंदर आ चुके हैं और पुल भी बहुत दूर आ चुका है और बीच में बांध दिख रहा है। और हम यहाँ पर नहाते भी थे, बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पर, और यहाँ से घूमते थे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों रास्ता काफी खराब है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों हम काफी दूर आ गए हैं, यहाँ पर पानी ही पानी था पहले और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोस्तों देखिए अभी आप ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी मछलियाँ, अभी आपको हम दिखा, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें काफी मछली है, ये आप देख सकते हैं और कुछ उसी में मर गई हैं। दोस्तों हम काफ़ी नीचे हैं, मतलब देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी नीचे हैं हम। ये देखिए दोस्तों हमारे सपोर्टर कुछ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितनी झाड़ियां हैं यहाँ पर और काफ़ी सारी रेता है और बहुत सारे पत्थर भी हैं और इंजन रखा हुआ है इधर, आप देख सकते हैं। और हम आपको उसको पास ले चले हैं, आप उसको देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पेड़ गिर गया है, ये देखिए बहुत ही बड़ा पेड़ था यहाँ, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पत्थर। दोस्तों ये काफी गहरा स्थान और ये देखिए सर ये इधर पानी भी है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों इंजन लगा हुआ है इधर। दोस्तों काफी समय के बाद हम हमारे पुल पर आ चुके हैं और बहुत ही थक चुके हैं और हम आगे जाने के लिए कहीं पर रास्ता नहीं मिला, इसलिए हम वापस आए दूसरी ओर जाएंगे। गाइस पुल के इस तरफ हम जा रहे हैं, ये देखिए कितना गहरा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही गहरा पानी भरा रहता है और बहुत ही डर लगता है यहाँ आने पर, इसलिए हम यहाँ नहाने नहीं आते थे। ये दोस्तों कितना गहरा है यहाँ पर, बहुत ही छेद है, ये देखिए कितना पहाड़ सा रहता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर और ही और भी गहरा है। बस भाई गाइस पास में और पास में। बस ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना गहरा है, यहाँ पर हम नहाते थे, ये देख कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे छोटे भी हैं और बहुत ही पत्थर हैं यहाँ पर। और आगे को चलते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं काफी दूर बहुत ही गहरे में, आप देख सकते हैं बहुत ही गहरा है यहाँ पर।
और हम बहुत ही आगे को जा रहे हैं। ये देखिए कितना गहरा है। और दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये है देसी मछली पकड़ने का तरीका। आइए पास में चल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा तरीका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरीका है। दोस्तों कितना अच्छा तरीका है। और आगे पर एक जनरेटर रखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम इंजन, और जनरेटर दोनों ही अलग अलग रहते हैं। दोस्तों कुछ देर बाद हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ आपको पिछली वीडियो में यानी कि सेकंड वीडियो में आपको दिखाया था नदी बेतवा रिवर, और हम उसके करीब आ चुके हैं। और यहाँ से हमारे इधर खुल गई है नदी। और चलिए और आगे को चलते हैं। बहुत ही ऊंचाई पर है ये पेड़। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच गए हैं बेतवा रिवर यानी बेतवा नदी। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी डेढ़ घंटे के बाद हम पहुंचे हैं इस नदी पर, जो नदी के पास ही पास से आए हैं। काफ़ी थक गए हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और वो चले गए। आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा, तो देखते रहिए अंत तक। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ी नदी है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी ऊंचाई पर जाना पड़ता है, काफ़ी ऊंची नदी है ये। ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई पर आ गए हैं हम, तो काफ़ी ऊंचाई पर है, चलने में दिक्कत हो रही है। चलिए चलते हैं। ओ वाह, तो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद ऊपर आ पाए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी ऊपर आने में, बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई पर है। अभी आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। दोस्तों शायद आपने ये जगह पहले देखी हो, हम यहाँ पर पिछले कुछ ब्लॉग में यहाँ पर आए थे और आपको दिखाया। दोस्तों यहाँ से हम आए हैं, अभी आपको तो दिख रहा होगा, यहीं से हम पैदल चल कर आए हैं और नदी पर पहुँचे हैं। जी हाँ दोस्तों ये आपको देख सकते हैं काफ़ी दूर है। गाइस काफ़ी समय हो गया है, अब लगता है यहीं ब्लॉग को ख़त्म करना चाहिए। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बात और आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।